बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पर एक मास्टर सर्कुलर जारी करते हुए साफ कर दिया कि बीमा कंपनी के अनुरोध के एक घंटे के भीतर नकदी रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। IRDAI ने एक बयान में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर मास्टर परिपत्र ने पहले जारी किए गए 55 परिपत्रों को निरस्त कर दिया और ये पॉलिसी धारकों के सशक्तिकरण और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ और आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। बीमा नियामक ने कहा सर्कुलर में बीमा धारक संभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा नीति में पात्रताओं को उनके आसान संदर्भ के लिए एक स्थान पर लाया गया और साथ ही स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पॉलिसी धारकों को निर्बाध तेज दावा अनुभव प्रदान करने में और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उन्नत सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कैशलेस प्राधिकरण अनुरोधों पर तुरंत और एक घंटे के भीतर निर्णय लेना, अस्पताल से अनुरोध के 3 घंटे के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अंतिम सेटलमेंट देना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस भुगतान के लिए पहले काफ़ी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट की रिसीट मिलने के 3 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। 29 मई 2024 को बीमा नियामक IRDAI द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में ये कहा गया है कि हर हाल में बीमा धारक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर उसके द्वारा किए गए क्लेम का कैशलेस भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा और इसके साथ किसी भी स्थिति में अस्पताल से छुट्टी मिलने तक इंतजार बीमा धारक को नहीं करना पड़ेगा। यदि 3 घंटे से अधिक देर होती है तो फिर ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा लिया गया कोई भी अतिरिक्त चार्ज बीमा कंपनी द्वारा शेयर धारक को दिया जाएगा, फंड किया जाएगा। IRDAI ने साफ तौर पर अपने मास्टर सर्कुलर में ये कहा है कि नए दिशा निर्देशों के तहत अगर किसी स्वास्थ्य बीमा धारक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो जाती है तो फिर इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया को तत्काल शुरू करना होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही मृतक के पार्थिव शरीर को भी अस्पताल से जल्द ही निकालना होगा, घर वालों को जितनी जल्दी हो देना होगा। वहीं इमरजेंसी के मामलों के लिए भी बीमा नियामक के नियमों में बदलाव किए गए हैं। बीमाकर्ता को रिक्वेस्ट प्राप्त होने के 1 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को कैशलेस भुगतान पर निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही IRDAI ने बीमा कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि इस काम को वो 31 जुलाई 2024 तक पूरा कर लें। साथ ही साथ लोगों की सुविधा के लिए बीमा कंपनियां हॉस्पिटल में हो सकें तो एक डेस्क बना दें ताकि कैशलेस पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। ये बहुत अच्छा होगा, अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।